नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है कार दरबार में। मैं हूं आपका होस्ट अतुल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका बजट 2 से लेकर 3 लाख रुपए है और आप सेकेंड हैंड मार्केट में कोई गाड़ी फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सेकेंड हैंड मार्केट में अगर 2 से 3 लाख रुपए की कोई गाड़ी आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें से कौन सी बेस्ट 5 कार है जो आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो हमारे लिस्ट में पहली नंबर पे आती है वॉल्सवैगन की पोलो। वॉल्सवैगन की पोलो जो है वो 2 इंजन ऑप्शन के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल इंजन जो है उसमें लगा हुआ है 1.6 लीटर का इंजन 4 सिलेंडर और डीजल में 1.4 सिलेंडर का इंजन लगा हुआ है जो कि आपको पावर निकाल के देगी 103 bhp की पेट्रोल में और डीजल में आपको वहीं पे 74 bhp की पावर निकाल के देगी। वहीं अगर हम इसके एवरेज की बात करते हैं तो पेट्रोल गाड़ी जो आपको एवरेज निकाल के देगी वो तकरीबन 15 की एवरेज निकाल के देगी और वहीं डीजल जो गाड़ी है वो आपको तकरीबन 20 की एवरेज निकाल के देगी। तो एवरेज के मामले में ये गाड़ी भले ही थोड़ा कम होगी मगर परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस दिखाई देगा जो कि इंडिया में जो मौजूद गाड़ी इसी सेगमेंट की उनमें ये चीज नहीं आपको दिखाई देगी। हमारे लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे आती है वो सबकी चहेती गाड़ी है जिसका नाम है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। जी हाँ, ओल्ड मॉडल जो है 2010 से लेकर 2014 का आपको मिल जाएगा इसी सेकंड हैंड मार्केट में। और इसके इंजन की बात करें तो ये 2 इंजन के साथ आती है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल में लगा हुआ है 1.2 लीटर का इंजन और डीजल में 1.3 का आपको इंजन मिल जाएगा 4 सिलेंडर। मारुति की बात यह रहती है कि वो अपनी सारी गाड़ियों में एक ही टाइप का इंजन निकाल के देती है। वहीं अगर हम इसके पावर की बात करें तो ये पावर निकाल के देती है 84 bhp की आपको पेट्रोल में और 75 bhp की पावर आपको ये डीजल में निकाल के आराम से दे देगी। वहीं अगर हम इसके एवरेज की बात करें तो ये पेट्रोल में तकरीबन आपको 18 का एवरेज निकाल के देगी और डीजल में आपको 20 प्लस का एवरेज निकाल के देगी। वो भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं। वहां पे अगर हम एवरेज की बात करें तो अगर आप इसमें सीएनजी भी लगवाते हैं पेट्रोल गाड़ी में तो आपको काफी अच्छा एवरेज निकाल के देगी। इसमें सीएनजी का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा रहता है। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट गाड़ी है वो है हुंडई की i20। i20 भी आपको 2010 से लेकर 14 तक की मॉडल जो है इजिली अवेलेबल है सेकंड हैंड मार्केट में 2 लाख से लेकर 3 लाख तक में। इसकी जो टॉप वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको काफी हाई एंड फीचर्स मिल जाते हैं जैसे ऑटोमेटिक वाइपर जाता है आपको, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ये टाइप के आपको काफी एडवांस फीचर मिल जाते हैं, एयरबैग्स भी मिल जाते हैं आपको। तो आपको लगेगा नहीं कि आप किसी सेकंड हैंड गाड़ी को लेकर आए हुए हैं क्योंकि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो आज भी जो गाड़ियां चल रही हैं उसमें एग्जिस्ट करती है। वहीं अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये 2 इंजन में आता है, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल इंजन में लगा हुआ है 1.2 लीटर का इंजन और डीजल में वहीं पे लगा हुआ है 1.4 लीटर का इंजन। वहीं अगर हम पावर की बात करें पेट्रोल में आपको ये तकरीबन 86 bhp की पावर निकाल के देती है, वहीं डीजल में ये आपको करीब 88 bhp की पावर निकाल के देती है। और वहीं पे हम इसके अगर एवरेज की बात करते हैं तो पेट्रोल में ये गाड़ी आपको तकरीबन 18 का एवरेज निकाल के देगी, वहीं डीजल में ये गाड़ी आपको 20 प्लस का एवरेज निकाल के देगी। वो भी डिपेंड करता है कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हो, वो आपकी गाड़ी ड्राइविंग के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है सारा एवरेज का मैटर। हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर पे आती है वो आती है होंडा सिटी। होंडा सिटी भी आपको 2 वेरिएंट में मिल जाएगी, आपको 2010 से लेकर 2014 की होंडा सिटी इजली सेकंड हैंड मार्केट में आपको मिल जाएगी 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में। इसमें 2 इंजन आते हैं, एक 1.4 पेट्रोल इंजन आता है और 1.5 डीजल इंजन आता है। पेट्रोल इंजन की पावर की बात करें तो ये आपको तकरीबन 116 bhp की पावर निकाल के देता है, वहीं डीजल आपको तकरीबन 98 bhp की पावर निकाल के देता है। वहीं अगर हम इसके माइलेज की बात करें तकरीबन आपको पेट्रोल में 14 की एवरेज निकाल के देगी और डीजल में आपको ये 20 प्लस का एवरेज निकाल के देगी। अगर आपको पेट्रोल गाड़ी मिलती है तो आप उसमें सीएनजी भी लगवा सकते हैं जिससे कि आपका एवरेज जो है वो काफी इंक्रीज हो जाएगा और आपको अच्छा खासा तब पर भी बूट स्पेस मिलेगा। हमारे लिस्ट में जो आखिरी नंबर पे है वो है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर। स्विफ्ट डिजायर आपको 2010 से लेकर 2014 तक का मॉडल इजिली अवेलेबल है सेकंड हैंड मार्केट में 2 लाख से लेकर 3 लाख में। मारुति की एक बात है कि उसकी रीसेल वैल्यू जो है वो काफी हाई रहती है, इसलिए आप सेकंड हैंड मार्केट में जब गाड़ी फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको मारुति की गाड़ियां थोड़ा हायर प्राइस में मिलेगी। वहीं अगर हम स्विफ्ट डिजायर की बात करें तो उसमें भी सेम इंजन मिलेगा जो आपको स्विफ्ट में मिलेगा और अगर हम उसके एवरेज की बात करें तो आपको स्विफ्ट से एवरेज जो है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कम मिलेगा। बट अगर आप पेट्रोल लेने की सोच रहे हैं तो उसमें आप सीएनजी लगवा सकते हैं, सीएनजी में आपको अच्छा खासा माइलेज निकाल के दे देगी। सीएनजी में सबसे सक्सेसफुल गाड़ियां हैं वो मारुति की गाड़ियां हैं और होंडा की गाड़ी जो होती है सेकंड नंबर पे आती है, थर्ड नंबर पे हुंडई की गाड़ियां आती हैं जिसमें कि सीएनजी जो है वो काफी सक्सेसफुल रहता है। और भी तमाम गाड़ियां हैं जो 2 लाख से लेकर 3 लाख के बजट में आती है बट हम उन गाड़ियों को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं जिन गाड़ियों की कंपनी जो है वो अभी इंडियन मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नहीं तो एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, आपको पुंटो टॉप मॉडल मिल जाएंगी इस बजट में 2016 से लेकर 17 तक के मॉडल आपको इजिली अवेलेबल हो
जाएगा। फिर उसके बाद आपको रेनॉल्ट की स्केल ये वगैरह गाड़ी जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। बट इन सारी गाड़ियों का क्या है, स्पेयर पार्ट जो है वो आपको इसलिए अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में क्योंकि ये गाड़ी जो है इंडियन रोड पे बहुत कम देखी गई है। मतलब सीधा सीधा ये है कि ये काफी कम बिकी है गाड़ी, जिसकी वजह से इनके स्पेयर पार्ट मिलना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपको। तो हमारी तरफ से जो 5 गाड़ियां हैं ये आपको एकदम बेस्ट राइड निकाल के देगी और इनके जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। अगर आप भी सेकंड हैंड मार्केट में कोई गाड़ी फाइंड आउट कर रहे हैं और आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि जो डीलर है या जो ओनर है उस गाड़ी का वो आपसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी गाड़ी का मॉडल कौन सा है, आप कौन सी गाड़ी फाइंड आउट कर रहे हैं और कितना प्राइस आस्किंग प्राइस है। तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी कर दूंगा कि इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।